अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको अपलोड करने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आई पर ठीक आई। तो इसको बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन लास्ट मिनट पर हमने डिसाइड किया आप लोगों के लिए ये अमेजिंग एंड डिलिशियस केक बनाने का, जो कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय लाइव स्ट्रीम एंड सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी सो मच। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट एंड ऑल द लव दैट यू आर गिविंग मी। तो ये थोड़ी सी हाईलाइट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए पेश है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वनीला केक विथ क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वनीला केक बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। वनीला केक बनाने के लिए हमको चाहिए 2.5 कप्स ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर, 1.5 कप्स ऑफ शुगर, सम वनीला एक्सट्रैक्ट, 4 टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 कप ऑफ बटर मिल्क, 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon of salt, 1 cup या फिर 2 sticks or 8 ounces of unsalted butter and 4 eggs room temperature। तो सबसे पहले हम 2 pans लेंगे, 9 inches के pans लेंगे। अगर 9 inches के नहीं है तो आप अपनी मर्जी से छोटे pans ले सकते हैं, it's all up to you। उसमें हम लोग जो है बटर को अच्छे तरीके से जो है वो स्प्रेड करेंगे, ताकि हमारा केक जो है वो उसके साथ स्टिक नहीं हो। तो आराम से टेक योर टाइम, उसको इवनली जो है उसके ऊपर स्प्रेड करें। इट्स ईजी अगर आप जो है वो कोल्ड बटर लेंगे तो इट्स ईजियर फॉर यू टू स्प्रेड। अब मैंने एक नई ट्रिक सीखी है, जो कि मैंने लोगों को करते हुए देखा है। तो आप लोग ड्राई फ्लावर लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई एम शेयरिंग विद यू। तो थोड़ा सा बटर लेकर उसको शेक करें तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आई डिडंट डू अ वेरी गुड जॉब विद इट, आई ट्राइड माई बेस्ट। तो मुझे हर एंगल में उसको घुमाना पड़ा था, उसको हर जगह पहुंचाने के लिए, और एंड में मुझे अपने हाथों का भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ा, विच इज नॉट गुड। तो जी, ये हो गया हमारा 1 pan रेडी। तो अब दूसरे पैन में भी सेम करेंगे कि उसके ऊपर बटर को इवनली स्प्रेड करेंगे और जो बच गया फ्लावर पुराने वाले उस पर डाल के और उसको शेक शेक करके प्रिपेयर कर लेंगे। तो अपने प्रिपेयर्ड पैन्स को रेडी करके साइड में रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब चलते हैं ड्राई इंग्रीडियंट्स की तरफ। सबसे पहले अपने 2.5 कप्स ऑफ फ्लावर को एक बोल में लें, उसके अंदर डालिए अपना बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon एंड उसमें हम डालेंगे हमारा 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, और इनको एक विस्क की मदद से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स को रेडी करके कीप इट ऑन द साइड एंड लेट्स प्रिपेयर आवर रेड बैटर। रेड बैटर के लिए आप एक मीडियम साइज बोल लीजिए, उसके अंदर अपने 2 sticks ऑफ बटर को रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट करके उसके अंदर डालें, और फिर उसके अंदर अपनी 1.5 कप्स ऑफ ग्रैन्यूलेटेड शुगर ऐड करें। अब इसको हम लोग विस्क करेंगे। आप चाहें तो स्टैंड मिक्सर यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर रही हूँ हैंड मिक्सर। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी नहीं हो जाती। इट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्मूथ, और इन बिटवीन आप एजेस को स्क्रेप कीजिए ताकि आप इवनली उसको मिक्स कर सकें। तो देखिएगा, मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं होने दिया है, बीच में भी स्क्रेप किया, एंड हियर आवर अमेजिंग लाइट एंड फ्लफी
बटर एंड शुगर मिक्सचर इज रेडी। अब हम इसके अंदर डालना शुरू करेंगे एग्स। सो एग्स को भी रूम टेम्परेचर में करके रखते हैं और इन वन एट अ टाइम हम एग्स जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट एग गया अंदर और उसको मीडियम स्पीड के ऊपर मिक्स करेंगे। जब एग पूरा मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम सेकेंड एग ऐड करेंगे। सो इसी तरीके से वन एट अ टाइम करके हम चारों एग्स को इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमारे चारों एग्स इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब एक स्पैचुला लेकर इसको स्क्रेप करें, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डबल श्योर करने के लिए आप इस वाले स्टेप को करें जब भी केक बनाएं। तो हमारे एग्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपना डालेंगे 4 teaspoons ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट एंड मिक्स इट वेल। तो एक दफा फिर से एजेस को स्क्रैप करेंगे ताकि हर चीज इवनली जो है वो उसके अंदर मिक्स हो जाए जी। तो जब हमारे एग्स एंड ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इट लुक्स अमेजिंग जी। तो अब हम लेंगे अपना बटर मिल्क एंड हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने 3/4 cup लिया था अपने ड्राई बैटर के लिए एंड 1/4 लिया था फॉर वेट बैटर के लिए। इनको हम ऑल्टरनेट करके डालेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है विद 3/4 cups ऑफ फ्लावर, यानी कि मेरा माई ड्राई इंग्रेडिएंट्स, एंड देन उसके बाद मैं डालूंगी 1/4 cup ऑफ बटर मिल्क। सो आई विल बी एडिंग वन एट अ टाइम। सो पहले अपना ड्राई बैटर डालेंगे, उसके बाद वेट डालेंगे और दोनों को ऑल्टरनेट करेंगे। एंड आप देखेंगे कि 4 to 5 times में आपका सब कुछ जो है दोनों चीज़ें इसके साथ मिक्स हो जाएंगी। बहुत मुश्किल होगी, हाथ में दर्द भी होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लेंगे तो हो जाएगा। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, आई डिड इट बाय मायसेल्फ। जी तो ये हमारा लास्ट बैच है एंड हियर यू गो, लास्ट बैच ऑफ बटर मिल्क भी अंदर जा चुका है एंड हमारा बैटर रेडी है। लेकिन एक दफा जस्ट हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्क्रेप एजेस को स्क्रेप करेंगे। जब मैं इसके एजेस को स्क्रेप कर रही थी तो ये एग इतना ज़्यादा लाइट एंड एयरी था कि मुझे उसको स्क्रेप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लग रहा था जैसे एयर है, इट वॉज सो लाइट जी। तो हमारा एग बैटर इज केक बैटर इज रेडी। अब हम क्या करेंगे, अपनी 2 9-inch pan को जो हमने प्रिपेयर करके रखे हुए थे उसके अंदर उनको डालेंगे। तो अब जाहिर सी बात है आई कुडंट लिफ्ट इट, वो इतना हैवी हो गया था, तो मुझे थोड़ी अपनी हेल्प लेनी पड़ी फ्रॉम माई असिस्टेंट। तो अब उसको इवनली दोनों पैंस के अंदर डालें। आप उसको आई बॉल कर लें अपने अंदाजे से डाल लें, या फिर अगर आप चाहें तो आप जो है स्केल की मदद से उसको मेजर भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू। बट आई डेंट मेजर इज, आई जस्ट डिड इट अपने अंदाजे से। मैंने जो है वो दोनों पैंस में जो है वो इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो स्पैचुला की मदद से उसको स्प्रेड करें अच्छे तरीके से ताकि सब कॉर्नर जो हैं वो कवर हो जाएं। उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि हमको उसकी फ्लैट चाहिए टॉप। जी तो लुक्स लाइक कि हमारा फर्स्ट पैन इज रेडी। तो अब चलते हैं दूसरे पैन की तरफ, दूसरे में भी इसी तरीके से उसको ऐड करेंगे। जी तो हमारे केक्स रेडी हैं अवन में जाने के लिए। उससे पहले उसको एक क्विक शेक दें और उसको जो है थोड़ा सा हिलाएं ताकि वो इवनली जो है वो
स्प्रेड हो जाए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन डन इट येट. तो अपने ओवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 175 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करके उसमें एक उसको डालेंगे फॉर एटलीस्ट 25-30 मिनट्स एंड कीप चेकिंग इन बिटवीन. इट ऑल्सो डिपेंड्स आपके ओवन के ऊपर कि आपके ओवन कितनी देर लगती है. तो अब चलते हैं जब तक हमारे केक जो है वो ओवन में है फ्रॉस्टिंग की तरफ. फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमको चाहिए 3/4 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ हैवी क्रीम एंड 2 8 ounce packs ऑफ क्रीम चीज या फिर 16 ounce ऑफ क्रीम चीज चाहिए. तो उसके लिए मैं स्टैंड मिक्सर यूज कर रही हूँ. उसके अंदर मैंने अपनी कोल्ड हैवी क्रीम डाली है. 1 कप ऑफ हैवी क्रीम को उसके अंदर डालकर फुल स्पीड पर 2 मिनट्स के लिए व्हिस्क करेंगे और 2 मिनट्स के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बन जाएगी, लाइक अ व्हिप क्रीम बन जाएगी. 2 मिनट से ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई एम सॉरी अबाउट द थिंग्स इन द बैक, वी डिडंट नो इट विल बी विजिबल, तो इट्स ओके. आई वॉन्टेड टू गिव यू द बेस्ट लुक. तो ये देखिएगा हमारी व्हिप क्रीम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है. इट्स वेरी क्लोज नाउ. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, उसने खुद ही अपना काम कर दिया. तो ये हमारी व्हिप क्रीम जो है रेडी हो गई है. अब इसको हम लोग स्टॉप करेंगे और अपनी व्हिप क्रीम को एक सेपरेट बोल में निकाल लेंगे जी. तो उसके बाद उसी बोल के अंदर आप अपनी क्रीम चीज को ऐड करेंगे एंड अपने शुगर को. तो हमारे 2 packs ऑफ क्रीम चीज एंड शुगर को उसके अंदर ऐड करके फुल स्पीड के ऊपर 2 मिनट्स के लिए व्हिस्क करेंगे. और बीच में ऐसे स्क्रैप कीजिएगा ताकि सारी शुगर इवनली जो है उसके अंदर मिक्स हो जाए. तो ये देखिए हमारी क्रीम चीज़ जो है विद शुगर मिलकर कितनी अच्छी लग रही है. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट फ्रॉस्टिंग एवर. सिर्फ इस केक के लिए नहीं, आप किसी भी केक के ऊपर ये फ्रॉस्टिंग लगाएं एंड आई एम टेलिंग यू इट विल बी डिलिशियस जी. तो 2 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी क्रीम चीज़ एंड शुगर मिक्सचर इज़ रेडी. तो अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे. उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ उनको जी. तो अपने क्रीम चीज़ मिक्सचर को अपनी प्रिपेयर की हुई हैवी क्रीम व्हिप जो व्हिप की थी हमने हैवी क्रीम को उसके साथ मिक्स करके उनको फोल्ड करेंगे आपस में. एंड ट्रस्ट मी दिस इज एन अमेजिंग फ्रॉस्टिंग. मतलब कि आप इस फ्रॉस्टिंग को चाहें तो जो बच जाए उसको आप अपने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके खाएं एंड इट विल बी अमेजिंग. आप इवन उसको अपने बेगल के ऊपर भी लगा खा सकते हैं. तो ये देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग इज रेडी एंड उसको जब तक आप फ्रिज में रखें आप चलते हैं केक को असेंबल करने के लिए. सबसे पहले मैंने जो है वो एक केक पैन ले लिया है, उसके ऊपर मैंने अपने केक को रखा है. आई एम सॉरी मेरा केक क्रैक हो गया था, तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं और उसको डेकोरेट करेंगे जी. तो सबसे पहले अपने केक के बॉटम पार्ट को जो है मैंने फेस डाउन करके रखा है. उसके ऊपर मैंने डाली है लॉट ऑफ फ्रॉस्टिंग बिकॉज आई लाइक लॉट्स ऑफ फ्रॉस्टिंग. लेकिन जब हम उसको स्प्रेड करेंगे तो एक्स्ट्रा को उसके ऊपर से रिमूव कर लेंगे. तो बहुत जेंटली मैंने किया था क्योंकि केक वॉज वेरी सॉफ्ट और उसके टूटने का खतरा था. तो लेकिन आप फिक्र नहीं करें, यू विल सी के एट द एंड ये केक जो है बहुत ही परफेक्ट हुआ था. ठीक है, तो इसको आराम से उसको स्प्रेड करें इवनली और जो एक्सेस हो उसको साथ साथ रिमूव करते जाए. आई एम यूजिंग अ केक स्प्रेडर. तो उसके बाद जो है जो टॉप लेयर होगी उसको भी हम लोग जो है वो फेस डाउन करके रखेंगे. ये देखिए, तो उसको भी मैंने फेस डाउन करके रखा था एंड आई एम सॉरी अबाउट द लुक बट इट वॉज स्टिल अमेजिंग, डोंट वरी जी. तो इसको हम लोग जो है उसको प्रेस कर देंगे एंड मैंने जो थी थोड़ी सी क्रीम थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग जो पाइपिंग में डाल के उसके ऊपर बहुत अच्छे से मैंने उसके ऊपर फ्लावर्स बना के क्रीम उसको फ्रॉस्टिंग को स्प्रेड किया था. तो ये देखिए आप ऐसा कर सकते हैं उसके ऊपर इवनली फ्लावर्स बनाकर एंड यू सी माय केक इज क्रैकिंग इन द मिडल. तो इग्नोर दैट. तो ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है आपके केक के ऊपर और इवनली क्रीम जो है फ्रॉस्टिंग उसकी वजह से आती है. तो अपने स्पैचुला की मदद से उसको इवनली स्प्रेड कीजिएगा. ये देखिएगा आप, ऑफकोर्स आप चाहें तो और फ्रॉस्टिंग दे सकते हैं, इट्स नॉट the end of the world, लेकिन just to see के मेरा evenly आता है कि नहीं, तो I did have to take some extra. And ये देखिए side पे भी हम लोग इस frosting को लगाएंगे. I am not very good at it. I tried my best. मुझे थोड़ी मुश्किल हुई थी ये करने में, लेकिन of course you learn from your mistakes and जैसे जैसे हम करते जाएंगे I will
गेट बेटर। तो ये देखिए मैंने उसको ईमेल में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और अपने एजेस को साफ कर लीजिए अगर गंदा हो गया है तो, एंड कीप स्प्रेडिंग द क्रीम चीज, जेनरस अमाउंट लगाएं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिए बगैर उसको साइड में रखेंगे और घुमाएंगे तो इट विल बी इवनली स्प्रेडेड। जी तो मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी थी अपनी मॉम की, क्योंकि यू नो के आई वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम नॉट वेरी गुड एट केक डेकोरेशन, तो आई मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन शी हेल्प मी एंड ऑफकोर्स शी इज अ प्रो, ऑफकोर्स शी इज अ मॉम, तो वाई वुडंट शी बी। तो ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा मेरे लिए जो है वो क्रीम चीज़ कह रही हूँ फ्रॉस्टिंग को हमारे लिए जो है वो स्प्रेड कर दिया है, एंड ऑफकोर्स शी डिड अ ग्रेट जॉब फॉर द क्लीन अप। तो ये हमारे लिए जो है फ्रॉस्टिंग उसके ऊपर स्मूथली स्प्रेड हो चुकी है, एक स्मूथ लेयर आ चुकी है। अब हम इसको डेकोरेट चलते हैं डेकोरेट करने की तरफ। सो एक दफा फिर से हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोगों की मेहनत थी इस केक के ऊपर। तो केक को डेकोरेट करने के लिए ऑफकोर्स हमने बनाना है उसके ऊपर हमारा पाकिस्तान का फ्लैग। जी तो फ्लैग बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी यूज की थी। हमने क्या किया था कि एक पेपर लेकर उसको साइड में रख दिया था व्हाइट पार्ट को कवर करने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से रखा जाए। तो ये देखिए मैंने एक पेपर लेकर आई टुक पार्चमेंट पेपर, उसको मैंने ऊपर रखा था, और दूसरे पार्चमेंट पेपर के ऊपर मैंने चांद सितारा को काट लिया था। आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया था, उसको काट लिया था और उसको बहुत आराम से रखा था, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया था वरना फ्रॉस्टिंग साथ ही निकल जाती। उसके बाद मैंने किया था कलर करने के लिए आई यूज स्प्रिंकल्स, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं फ्रॉस्टिंग के कलर्स जो है वो करती, तो मैंने स्प्रिंकल्स यूज किए थे ग्रीन कलर के, उसके ऊपर ग्रीन कलर देने के लिए। तो देखिए आई डोंट थिंक आई डिड अ बैड जॉब, दिस केक टर्नड आउट अमेजिंग एट द एंड। सो उसको इवनली मैंने बहुत ज्यादा कर दिया था, कोई भी मैंने पार्ट छोड़ा नहीं था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर, इट लुक लाइक ग्रास एट द एंड। जी तो देखिए जो मेरे चांद सितारे के ऊपर आ गई थी उसको मैंने मुंह कर दिया, एंड जेंटली मैंने उसको जब पुल किया तो वो निकल आई, और मैंने टूथपिक की भी हेल्प ली थी। मेरा सितारा इतना कोई परफेक्ट नहीं था, बट आई स्टिल डिड अ ग्रेट जॉब एंड दिस वॉज अ ग्रेट टास्क, इसको उतारना एक बहुत बड़ा था। ये देखिए तो यहाँ पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी फ्रॉस्टिंग जो है वो उतर गई थी, तो फिर मैंने दूसरी तरह से ट्राई किया बट नो लक, तो फिर से वही हुआ। तो फिर आई वॉज फ्रीकिंग आउट कि अब मैं क्या करूँगी। देन ऑफकोर्स माई मॉम केम इन टू हेल्प मी एंड शी कवर्ड इट विद जेनरस अमाउंट ऑफ फ्रॉस्टिंग, एंड यू विल सी के उन्होंने मेरी गलती को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर दिया था। तो ये देखिए अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये हमारा केक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने कितना अच्छा चांद सितारा बनाया है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हमने ये एफर्ट किया, एंड वी यूज सम व्हाइट बीड्स एंड व्हाइट स्प्रिंकल्स फॉर द चांद सितारा एंड द व्हाइट पार्ट। हम सब ने मिलकर इस केक को डेकोरेट किया था, क्योंकि हम में से किसी ने भी पहले कभी इतना अच्छा केक नहीं बनाया। तो आप देख सकते हैं कि एक केक जो है वो कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने पहली दफा बनाया है, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड इट्स नॉट परफेक्ट ऑफ कोर्स, बट वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लव विद इट। वी लव आवर कंट्री, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी, एंड प्लीज दुआ में याद रखें हमारे मुल्क को भी, और हमेशा हमारे मुल्क की तरक्की के लिए और उसके आगे बढ़ने की दुआ करते रहें। हमको भी अपनी दुआ में याद रखें, और अगर आपको ये केक पसंद आया है तो प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉर नाउ आई एम टेकिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।